अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिक्स ऑफ ऑल समथिंग ऑफ एवरीथिंग। तो देखिए, जिसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। फिंचस ने अपने बच्चे दिए हैं दो, देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये पेरेंट फिंचस यहाँ पे हैं, पता नहीं ये किसके बच्चे हैं लेकिन यहाँ बैठे हैं ये। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पहले यहाँ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारा बेड सेट कर दिया है। शिराज नहाने के लिए गए हैं। आज शिराज को चिकन पॉक्स आकर 5 डेज हो गए। और देखिए यहाँ पे कौन आए हैं, ये है रिदा, आपको याद ही होगा। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोमोग्रेनेट छील रहे हैं शिराज के लिए और हम सबके लिए, और जो मेहमान आए हैं उनके लिए। दी के बच्चों को 2 डेज हो गए हैं, तो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। चिटू चिटू, यहाँ देखो स्वीटी। देखिए सारे बच्चे सो रहे हैं और स्वीटी भी सो रही है। तो जब तक मैं शिराज को नहला के आई, मेरे हस्बैंड का प्रोमोग्रेनेट छील के ख़त्म हो गया था। अब रिदा और शिराज के लिए ये दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शिराज और रिदा खेल रहे हैं फूसबॉल। रिदा तुम्हें कैसे लग रहा है इतने दिनों के बाद आकर? अच्छा लग रहा है। शिराज, तुम्हारी फ्रेंड को मिलकर तुम्हें कैसे लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा खुशी से बोलो ना। मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अभी दोनों पोमोग्रेनेट खाते हुए खेलो, ठीक है? मैं जाती हूँ दूसरे काम करने के लिए। आज शिराज की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि रिदा आई है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। देखिए खुशी झलक रही है। आज बहुत सारे काम हैं, तो मुझे लंच बनाना है। आज मैंने सोचा है आज मैं बनाऊंगी वेज पुलाव। रिदा को अभी वापस जाना पड़ेगा घर, क्योंकि चिकन पॉक्स एक कंटामिनेटिंग डिसीज़ है, तो इसीलिए वो अपना पोमोग्रेनेट ख़त्म करके अभी घर चली जाएंगी। तो रिदा अभी वापस चली गई हैं और शिराज यहाँ से देख रहे हैं रिदा को जाते हुए। देखिए वेजिटेबल पुलाव बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है। सब्जियां सारी मैंने क्लीन कर ली है, अभी मुझे उन्हें चॉप करना बाकी है। और इधर अलग से मैंने मिंट लीव्स को यानी पुदीने को भिगो के डाल दिया है। तो थोड़ी देर में मैं कुकिंग स्टार्ट करूंगी, तब तक देखते हैं शिराज क्या कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ मैंने सेटल करके क्लीनिंग भी कर दी है, तो चलिए शिराज क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो रिदा अभी थोड़ी देर पहले गई हैं। शिराज क्या कर रहे हैं आप? मैं रूबिक क्यूब के साथ खेल रहा हूँ। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे हैं। तबीयत कैसी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से अच्छी है। तो अभी सारी तैयारी हो गई है पुलाव बनाने की। तेल के गर्म होने के बाद इसमें हरी मिर्च डाल लेना है हमें। ऐड करूंगी ऑनियन, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि उन्हें हमारा डेली रूटीन देखना पसंद है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ। क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है। देखते हैं जब काम पे जाना होता है तो क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। तो इसमें ऐड हो गई है हल्दी और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है मैंने। तो चलिए अभी ऐड कर लेते हैं मिंट लीव्स। इसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट में ही गरम मसाले सभी ऐड रहते हैं, तो
अलग से उसे ऐड करना नहीं पड़ता। तो अभी हम सिर्फ एक टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे और हस्बैंड के लिए है, एक टाइम का ये बन रहा है, तो इसीलिए इतना काफ़ी रहेगा। तो अभी बारी है पोटैटोस के ऐड करने की, तो पोटैटोस भी हम ऐड कर लेते हैं। साथ ही साथ हम अभी ऐड कर लेंगे बीन्स, जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखी हुई है, वो बीन्स भी ऐड कर लेते हैं। इन सब वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देना है, ताकि ये पक जाए अच्छे तरह से वेजिटेबल्स सारी। अभी मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम भी। अभी मैंने ऐड कर लिए हैं कैरेट भी। मैं थोड़ा टाइम दे देकर ऐड करती हूँ दूसरे टाइम पर जब मैं पकाती हूँ तभी, लेकिन आज पता नहीं मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। देखिए पानी छूट रहा है अभी, और देखने से ही पता चल रहा है कि बीन्स को अभी थोड़ा नरम होना है, तो इसीलिए मैं इसे और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी। बीन्स शायद अभी पक गए हैं, तो अभी हम इसमें ऐड कर लेते हैं टमाटर। अभी मैंने टमाटर ऐड कर लिया है, और यहाँ पे देखिए शिराज के लिए भी मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। तो चलिए टमाटर को मिक्स करते हैं अब इसमें, और इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, और धनिया पाउडर जाएगा। देखिए मैंने धनिया और मिर्ची पाउडर भी ऐड कर लिया है। इसे थोड़ा सा स्टिर करके फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी टाइम आ गया है इसमें पानी ऐड करने का। देखिए मैं एक जग जितना पानी और थोड़ा 1¼ जग जितना इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, और इसके उबाल आने के बाद हम चावल ऐड कर देंगे, तो हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो जाएगा। तो शिराज फिर से एक और बूमरैंग बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करते करते एंड में आपके लिए कोई सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ ये है कि मेरी नीस गई थी लाइटिंग देखने के लिए, तो क्योंकि हम नहीं जा सकते इसीलिए वो थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाई है मेरे लिए। तो अभी मैं इस वीडियो में उसे ऐड कर दूंगी। A few moments later.
तो जाते जाते लाइटिंग देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।